नमस्कार दोस्तों, मैं ही कल्याण महतो और आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें आज हम लोग टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल पार्ट के अंदर हमने जो ऑटोकैड का सीरीज चालू किया उसका आज डे 9 है। तो डे 9 में हम लोग आज सीखेंगे ऑटोकैड का अंदर दो कन्वर्सर सीखेंगे, जैसे लाइन टू पॉलीलाइन एंड पॉलीलाइन टू लाइन। तो इस दो कन्वर्सर के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब तो आपको मालूम पड़ेगा ऑटोकैड में कैसे लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है और पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरा चैनल में आपने नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला दिनों में मैंने आपको फोटोशॉप, 3DX Max, वीरे, ऑटोकैड, ये सब ड्राइंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर का जानकारी देंगे टेक्निकल पार्ट के अंदर। एंड स्टॉक मार्केट पार्ट के अंदर मैंने आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी देंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो देख सकते हैं अभी, ठीक है, स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग जो ऑटोकैड का जो पेज है खोल के मैंने रखा हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी ड्राइंग नहीं किया गया, रखा है एकदम, तो बिल्कुल क्लीन है। तो अभी स्क्रीन पे हम लोग जो मेन जो वर्क स्पेस है उसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली हम लोग लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है मैंने वही आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, ठीक है। मैंने मान के चलो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एल एंटर कर रहा हूँ, शॉर्टकट की में मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एल देके हमने जब एंटर करेंगे, मान के चलो यहाँ से लाइन ले रहा हूँ, 200 फीट का लाइन देना, 200 फीट देके एंटर कर रहा हूँ, तो 200 हो गया। अभी मान के चलो फिर 200 फीट का एक लाइन ले रहा हूँ, 200 फीट। अब अपना हिसाब से कोई भी डिस्टेंस ले सकता है, अपने जस्ट एक एग्जांपल है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो 200 फीट और एक लाइन है, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया, और एक मान के चलो 200 फीट का लाइन है, 200 फीट देके हमने जब एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करके निकल जाइए। मान के चलिए एक लाइन, ए लाइन बन गया, ठीक है ना, 1 2 3 4, चार लाइन अभी बन गया, ठीक है। तो अभी इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो लाइन है, चार लाइन अभी एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए ये लाइन है, ठीक है। इसको जब आप प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे, इसका ऊपर क्लिक करने के बाद माउस का राइट क्लिक कीजिए और जब प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में आपको देखेगा यह है लाइन है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइन है, ठीक है। इसको अभी काट देता हूँ, अब इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वाला जो सबसे आसान है लाइन को, जब जब आपने पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ज्वाइन करना है, लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका शॉर्टकट की है, जे दे के एंटर करना है, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है ना, सिलेक्ट करना है हर जितना लाइन है, आप लाइन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पॉलीलाइन में, उसका ऊपर क्लिक करना है, एक एक करके माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। अभी देखिए ये ज्वाइन हो गया, अभी एक लाइन बन गया, अभी वो जो उतना लाइन था अभी पॉलीलाइन बन गया, एक ही सिंगल हो गया, ठीक है ना। वो जो चार लाइन था अभी सिंगल एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अभी इसका प्रॉपर्टी चेक कीजिए, प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे अब देख सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे पॉलीलाइन आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है अभी लाइन से पॉलीलाइन बन गया। अभी हम लोग मान के जो यही लाइन को, यही जो लाइन है अभी जो पॉलीलाइन है, इसको हम लोग लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सेम फिर यही लाइन, यही पॉलीलाइन फिर सिंगल सिंगल लाइन में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, जब सिलेक्ट एक साथ नहीं होगा। तो उसको अभी क्या करेंगे, उसको करने के लिए क्या करना है, हमने ये लाइन जो है, ये जो पॉलीलाइन है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स देके अब जब इंटर करेंगे एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल के यहाँ पे देखिए कॉमन लाइन में दिखा रहा है, तो आपने इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक जब कर देंगे, उसके बाद जब इंटर कर देंगे, अब ये देखिए ये अभी सेपरेट हो गया। अभी जो हाथ जो जो पॉलीलाइन सिंगल पॉलीलाइन था, अब ये देखिए चार पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसा पहले था चार लाइन था वो ऐसा ही बन गया। अभी आप इसका ऊपर क्लिक करके माउस का इसके ऊपर आप जो क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे देखो लाइन बन गया, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, ये बहुत जगह में यूज होता है, जैसे लाइन को कन्वर्ट करना पड़ता है पॉलीलाइन में, और फिर पॉलीलाइन को भी लाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारा जगह में ऐसा लग सकता है, लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ सिखाएगा, मेरा ख्याल से एक वाइटल पॉइंट था, लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करता है और पॉलीलाइन को कैसे लाइन में कन्वर्ट करता है। ये सबसे आसान तरीका था मैंने जिसमें यूज करता हूँ, मैंने जो प्रोसेस में यूज करता हूँ, प्रोसेस में काम करता हूँ, तो ये मैंने बताया, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया
गया होगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। लाइन को कैसे पॉली लाइन में कन्वर्ट करते हैं, पॉली लाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे आसान तरीका था ये, मैंने दिखा दिया और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और तो चलिए, आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जाते जाते और एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर अगर फिर भी कुछ ये जो आज का जो टॉपिक था, टॉपिक रिलेटेड कुछ सवाल आपका है फिर भी, तो आपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे से जितना होगा मैंने आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और बोलता हूँ लोगों को मदद कीजिए, जाते जाते मैं बार बार पिछला वीडियो में मैं बता रहा था आज का दुनिया में सबसे जो प्रॉब्लम है, आदमी को हेल्प चाहिए, ठीक है ना। उन लोगों ने हेल्प नहीं देता है, तो आपसे जितना होगा, जो आपका आसपास में हेल्प मांग रहा है, आपसे जितना हो सकता आपने हेल्प कीजिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, तब मिलेंगे आप अगला कोई नया कंटेंट के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।